मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगा है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, मंदिर में प्रसाद में मिलावट की जाती है, इसमें फिश ऑयल मिलाया जाता है। गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में इस प्रसाद की टेस्टिंग हुई है। लड्डुओं में मिलने वाले घी की वापी प्रवक्ता ने 9 जुलाई को यह सैंपल दिया गया था। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी को लेकर देश में क्या कुछ आस्था का विषय है। लोग बड़ी संख्या में तिरुपति पहुंचते हैं, अपने अपने श्रद्धा भाव के साथ पहुंचते हैं और वहां का प्रसाद जब आता है तो आप जानते हैं लोग थोड़ा सा खुद प्रसाद का सेवन करते हैं और उसके बाद अपने परिवार इष्ट मित्रों में भी बांटते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं। ये महत्व है और ऐसे में अगर ये आरोप मौजूदा सरकार की तरफ से पूर्व सरकार पर लगाए गए हैं, टीडीपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो डिटेल्स के साथ सामने आए, वो कागजों के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रसाद का सैंपल लिया गया, गुजरात की एक लेबोरेटरी में इसका टेस्ट किया गया और टेस्ट में सैंपल्स में जो चीजें मिली हैं वो कहीं ना कहीं आस्था से बड़ा खिलवाड़ करने वाली हैं। इससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं और अब आप जानते हैं इस मामले को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज है। बालाजी दर्शन के बाद पिलिग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी, उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got in a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. It's a very bad thing happened for in Tirumala history. Filing a complaint against the Jagan Mohan Reddy and that TTD chairman Bhumana Karnakar Reddy and Subba Reddy and that time executive officer the Dharma Reddy. And right now we are using pure cow ghee for making laddu prasadam and we request Balaji devotees in future definitely our NDA government make sure that we'll give good prasad devotees. तो ये आरोप कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग है। आप जानते हैं तिराना लाखों बल्कि करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये मामला जब से सामने आया काफी सुर्खियों में, मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रमेश, सीधा सवाल मेरा और सबसे लॉजिकल सवाल जो हर एक जनता के मन में भी आ रहा होगा, ये जो आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों में दम कितना? मौजूदा सरकार ने पूर्व सरकार पर इस तरह के मिलावट के, फिश ऑयल के, इसके साथ साथ जानवरों की चर्बी उस प्रसाद में मिली है, ऐसे संगीन आरोप लगाए? बिल्कुल, लैब से टेस्ट हुआ है, लैब की रिपोर्ट आई है और उस घी में तमाम तरह के जानवरों के अंश मिले हैं जो कि हिंदू आस्था से ही नहीं, आप देखिए कि कितनी पवित्र भावना से लोग वहां जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चकपाणी जी हैं, वो बताएंगे कि हिंदू आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है जिस तरीके से हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये एक्सपोज किया है पिछली सरकार के बारे में, यह सुन के तो बहुत भाग्यपूर्ण है। इस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पूरे हिंदुओं की भावनाओं के साथ सनातन धर्मियों का करने का प्रयास किया, उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी एक मुख्यमंत्री पद पर रह के तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बताइए चर्बी इस्तेमाल करके गाय। स्वामी चक्रपाणी जी, आप जब जब बात रखते हैं ना तो आपको देश सुनता है और ये ऐसा मसला है, ये हिंदुस्तान में हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? क्या हिंदुओं को, सनातन धर्म को, हमारी पूजा पद्धतियों को, हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को भ्रष्ट करने का प्रयास है? देखिए बिल्कुल, या किसी न किसी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत पूरी तरह
ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हिंदू सनातन को पूरी तरह खत्म किया जाए। इसीलिए मठ मंदिरों पे, आश्रमों पे, साधु संतों पे जो सनातनी है उनको जानबूझकर टारगेट किया जाता है। इसीलिए हमारे मंदिरों को अब बताइए, एक मुख्यमंत्री तक का बैठा हुआ व्यक्ति जगनमोहन रेड्डी ने और पूरे किस प्रकार से तिरुपति बालाजी, पूरे आस्था पूरे विश्व के सनातन धर्मियों की है और उनको गाय की चर्बी मिला करके 1857 की क्रांति इसीलिए हुआ था क्योंकि चर्बी मिलाई गई थी और मंगल पांडे ने किया था। अब आवश्यकता इस बात की है कि पुनः धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्र और अपनी सनातन रक्षा के लिए हमें 1857 की क्रांति की तरह मंगल पांडे लगता है बनना ही पड़ेगा। ये खिलाफत किसकी करेंगे सर हम, क्योंकि आपने पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम लिया जगनमोहन रेड्डी, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सब कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, ऐसा कहा जाता है, आप भी जानते हैं सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, मैं आपको देखता हूं, उनके बहुत करीब, उनके साथ खुद रेड्डी साहब की कई तस्वीरें हैं, अब सोशल मीडिया पर ये जंग भी शुरू हो गई है। अब यहां से अगर केंद्र में ही हिंदुओं की सरकार है तो बार बार आपने जो तमाम चीजों का जिक्र किया, थूक से लेके हर एक चीज का आपने जिक्र किया, बावजूद इसके ये सब तो हो ही रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है देखिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमें किस प्रकार से, तो बहुत आशाएं है थी और रहेंगी क्योंकि सरकार को हम लोगों ने बहुत साथ दिया है और एक इसी आशा और विश्वास से वो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग तो बैठने वाले नहीं है, हमारी हिंदू महासभा वहाँ आंध्र प्रदेश में हमने बोला, हमारी टीम वहाँ सक्रिय हो रही है और इनके खिलाफ जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे हर जगह और इनको सलाखों के अंदर जाना होगा, जिसे दुख जियादियों को सलाखों के अंदर भेजा जाता है। इसी तरह हम वर्तमान मुख्यमंत्री जिसे भी निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल इनको जो है FIR करके इनको अंदर सलाखों के भेजा जाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप काफी व्यस्त भी रहते हैं, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये जो तमाम चीजें पिछले कुछ वक्त में वापस आई हैं, आपको क्या लगता है जिम्मेदारी किस पर तय होनी चाहिए? नहीं, जिम्मेदारी तो देखिए हर व्यक्ति को है। एक तो आप देखिए कि इतने घटनाएं आ रही है और कोई भी मुस्लिम संस्थाएं इसके खिलाफ आगे बढ़कर के फतवा जारी नहीं करती, और वही कोई हिंदू लड़का, हिंदू लड़की, कोई बेटी जो अगर आरती कर देती है गणेश जी की तो तुरंत फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन ऐसे जो थूक जिहाद कर रहे हैं, चाहे जो कोई भी लफ्ज जिहाद कर रहे हैं, चाहे इस तरह की कोई भी, जगनमोहन रेड्डी कृष्ण, उन्होंने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में ही चर्बी मिला के खिला दिया, बताइए करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, इससे बड़ा पाप क्या हो गया? तो सीधे नरक में जाएंगे।